जब भी इंसान समंदर के पास आता है तो पृथ्वीराज के साथ फोटो जरूर लेके जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे प्यारा लाडला है। की वजह से सबकी मौत हो चुकी थी, उसमें से मिस्टर पविराज करके एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का चमत्कारिक बचाव। हम उनकी तस्वीर आपको सैटेलाइट के जरिए दिखा सकते हैं, और उन्होंने कुछ ही देर बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। पी न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश दुनिया की खबरें दिमाग से भी तेज हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू। देखो मिस्टर पविराज, चलो ऑटोग्राफ लेते। चलो चलो चलो। मिस्टर पवी, आपको दुनिया में पी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब मैं स्ट्रगल करता था तब मेरा माँ बीमार थी, मेरे पास पैसे वगैरह कुछ नहीं थे माँ का इलाज कराने, तो मिस्टर पविराज ने वो हादसे का शिकार हो गया, तो उन्होंने अपना धन संपत्ति सारे दान में कर दिए, तो उसमें से मैंने अपने माँ का इलाज कराया और कड़ी मेहनत की। उस कड़ी मेहनत के बदौलत आज मैं इधर खड़ा हूँ। आप बता सकते हैं मिस्टर पवी किधर? भगवान तो दिल में है, जैसे कि इधर आपको दुनिया का सबसे बड़ा पी अवार्ड मिलने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? काफी नाम है आपको दुनिया। और कई सारी लड़कियों का ये भी कहना है कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भूल कर आपकी किताब की दीवानी है, आपकी इतनी दीवानी है कि लोहे की रात से अपने दिलों में मिस्टर पविराज का नाम रख दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया यार, कुछ भी। आप लोगों का मैसेज देना चाहते हो? मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा, आप मेरे लिए जियो, मैं आपके सपनों के लिए जीऊंगा। मिस्टर पवी, मिस्टर पवी, मम्मी मम्मी मेरा फोटो लाना, मम्मी मम्मी मेरा फोटो लाना। हाँ ठीक है। आप थोड़ा लेट में आओ, सर नहीं दिख रही है। अब देखो मम्मी। हाँ ठीक है। सब ठीक है मम्मी, कैसा फोटो आया? सब ठीक है ना? सब ठीक है, आ जाओ देख लो। अरे क्या मम्मी, इसमें तो मेरा सर ही नहीं दिख रही है। ये बेटा देखो, ये नहीं हुआ है, ये हुआ है। ये देखो बेटा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा लिया है, ये अच्छा है। मम्मी आपने बहुत अच्छा लिया है। मम्मी कुछ ठीक नहीं, चलो ना थोड़ा आगे चलो। हाँ चलो। ये कौन है? ये इन्होंने हम दौलत दान में करती है। मम्मी पानी ने इसकी जान बचाई है, इसके लिए ये पानी के पास ही रहता है। मम्मी
एक्सक्यूज मी सर, बोलो क्या बात? आपके सोच के बारे में जानना था सर। बताओ क्या जानना चाहती हो आप? मास्टर मैन SSP की कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम पूरी दुनिया की तरफ से शुक्रिया, आप बहुत महान हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पवि सर आप तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन आपके सारे पैसे पर्यावरण में डोनेट क्यों कर दिया सर? मैं एक किताब लिख रही हूँ सर, इस दुनिया में जन्मे महान लोगों के ऊपर, आप क्या सोचते हो? सोचो सांस लेने के लिए हवा ना होती, पीने के लिए शुद्ध पानी ना होता, तो तुम्हारा दुनिया का सारा पैसा भी किसी काम का नहीं, तो पर्यावरण अनमोल है। आप महान हो सर। आप इसी समुंदर के पास रहते हो सर, आपको क्या समुंदर से मोहब्बत है? बस यूं ही समझो। थैंक यू सर। ना मौत का खौफ, ना जीने की उम्मीद, जिया जा रहा हूँ ये समंदर।